भारत एक ऐसा देश है जहाँ रीति रिवाज और त्योहारों का अलग ही महत्व होता है, लेकिन ऐसे में इसमें भी कोई शक नहीं है कि देश की नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है नदियों में होने वाला मूर्ति विसर्जन। ऐसे में प्रदूषित नदियों को और प्रदूषित होने से बचाने के लिए नवरात्र में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। धर्म एवं अध्यात्म की नगरी काशी में नवरात्र को लेकर शहर भर में पंडाल सज गए हैं। मूर्तियों को गंगा नदी में विसर्जन करने से रोके जाने के बाद से लोगों ने इको फ्रेंडली मूर्ति बनवाना शुरू कर दी है। वाराणसी में एक मूर्तिकार ने रेत से मां आदि शक्ति की मूर्तियों को तैयार किया है। इतना ही नहीं, इन इको फ्रेंडली मूर्तियों की बनावट के साथ साथ इनकी सजावट भी इको फ्रेंडली है। देवी मां की मूर्तियों की सजावट रेत में पाए जाने वाले कंकड़ से किए गए हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों को तैयार करने के लिए करीब 3 महीने का समय लगा है। इस मूर्ति में क्या है कि बालू से हम लोग बनाए प्रतिमा, जो गिट्टी लाल बालू, सफ़ेद बालू और गिट्टी की बनाई गई है, और इसमें खास बात यह है कि ये बहुत खूबसूरत लगने वाली है, और कुछ खास यही है कि अच्छी लग रही है। इस मूर्ति का श्रृंगार शस्त्र गिट्टी बालू का रहेगा, और जितना जेवर है सब गिट्टी बालू के ही है। इस मूर्तिकार ने ना सिर्फ माँ आदिशक्ति की इको फ्रेंडली मूर्तियाँ बनाई है, बल्कि भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कार्तिक, महिषासुर के साथ साथ तमाम मूर्तियों को भी बनाया है, और वो भी सारी रेत से। मूर्तिकार की इस तरकीब को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इन इको फ्रेंडली मूर्तियों से हम त्योहार भी मना लेंगे और पर्यावरण को भी बचा लेंगे, और शायद यही वजह है कि इको फ्रेंडली मूर्तियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वाराणसी से न्यूज़ के लिए श्याम सुंदर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट।